हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे, अपन ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करेंगे और ये इवोल्यूशन का लास्ट लेक्चर होने वाला है यार, है ना। आज इस लेक्चर के अंदर खत्म कर देंगे अपन इवोल्यूशन की जो कहानी है उसको खत्म कर देंगे, ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करेंगे। जो आज आपको ह्यूमंस दिख रहे हैं, आप और मैं जो हैं, वो कैसे डेवलप हुआ, कैसे अपन इवोल्व हुए, कैसे अपना जो विकास है वो हुआ। इवोल्यूशन को हिंदी में विकास बोलते हैं। कभी से अपना इवोल्यूशन हुआ उसकी बात करेंगे। आप सब ने एक बात तो सुन रखी होगी कि जो ह्यूमंस हैं वो किससे बने हैं, वो बंदर से बने हैं। ये बात आपने सुन रखी होगी, सबने सुन रखी है कि मंकी से ह्यूमंस बने हैं, ये बात सबने सुनी होगी, ठीक है। तो अपन उसी की बात करेंगे कि मंकी से कैसे इंसान बना, कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ, कब कौन सा ह्यूमन आया, ठीक है। ह्यूमन अलग अलग टाइप के थे, अपने से पहले थोड़े बंदर जैसे दिखने वाले थे, तो उन ह्यूमंस को क्या बोलेंगे, किसने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, किसने मीट खाया, किसने फ्रूट खाया, सारी बातें करने वाले हैं, ठीक है। स्टार्ट करें, बात करते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन की। ह्यूमन इवोल्यूशन की आपने ये बात सुन रखी है कि बंदरों से अपन बने हैं, बंदर से अपन बने, मंकी से अपन बने, ह्यूमंस बने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आए, प्राइमेट्स आ गए थे जी। प्राइमेट्स के अंदर कौन, मंकी और एप्स, ठीक है। मंकी जो है, बंदर जो है वो थोड़े छोटे होते हैं, ऐप जो है वो थोड़े बड़े होते हैं। कौन कौन से आते हैं ऐप के अंदर, अभी बात करेंगे उनकी भी, है ना। मंकी जो आप जानते हो क्या होते हैं, बंदर होते हैं, ठीक है। अब मंकी जो है वो दो टाइप के होते हैं उस टाइम पर, कौन कौन से थे, एक ओल्ड वर्ल्ड मंकी, एक था न्यू वर्ल्ड मंकी, एक था ओल्ड वर्ल्ड मंकी और एक था न्यू वर्ल्ड मंकी। तो आप मुझे ये बताओ कि दोनों में से ज्यादा क्लोज टू ह्यूमन कौन सा होना चाहिए, ह्यूमन के जैसा कैरेक्टर कौन सा दिखाना चाहिए, न्यू वर्ल्ड वाला मंकी या फिर ओल्ड वाला मंकी। तो आपके दिमाग में आएगा कि यार ओल्ड वाला तो पुराना था, न्यू वर्ल्ड वाला है नया है, मतलब वो ज्यादा ह्यूमन के जैसा दिखता होगा, वो ज्यादा ह्यूमन के कैरेक्टर्स दिखाता होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ज्यादा क्लोज कौन सा था, जो ओल्ड वर्ल्ड मंकी था ना, जो ओल्ड वर्ल्ड मंकी था वो ज्यादा क्लोज था किसके, ह्यूमंस के ज्यादा क्लोज था। बात समझ में आई? तो आपको क्वेश्चन दे देगा कि कौन सा मंकी जो है वो ह्यूमंस के ज्यादा क्लोज था, तो आप जल्दी से बोल दोगे हाँ न्यू वर्ल्ड वाला, क्यों, ओल्ड वाला तो बहुत पुराना होगा, ओल्ड वाले के बाद में इवोल्यूशन हुआ और न्यू वर्ल्ड वाला बना होगा और फिर न्यू वर्ल्ड वाला जो है वो ज्यादा क्लोज रहा होगा ह्यूमन के। लेकिन ऐसा नहीं है, ओल्ड वर्ल्ड वाला जो मंकी था वो ज्यादा क्लोज था। तो मंकी जो थे वो दो टाइप के थे, एक न्यू वर्ल्ड मंकी, एक ओल्ड वर्ल्ड मंकी। न्यू वर्ल्ड मंकी का एग्जाम्पल क्या है, स्पाइडर मंकी, और ओल्ड वर्ल्ड मंकी का एग्जाम्पल क्या है, रेसस मंकी, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें इसकी, रेसस मंकी है ना, और ये रेसस मंकी जो है, आपको एक बात पता होगी कि जो ब्लड ग्रुपिंग है उसके अंदर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, आरएच एंटीजन की बात होती है कि इसमें आरएच एंटीजन है, आरएच एंटीजन नहीं है, वो आरएच क्या है रेसस मंकी के अंदर ही सबसे पहले देखा गया था। तो वो ब्लड ग्रुपिंग जो पढ़ाऊंगा तो मैं रेसस मंकी की वापस बात करूंगा वहां पर, तो याद रखना ये रेसस मंकी, ठीक है। 11th क्लास के अंदर जब ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे तो वापस इसकी बात करेंगे ना, तो मैं पूछूंगा रेसस मंकी कहां पढ़ा था और कौन से वर्ल्ड का मंकी है। तो ओल्ड वर्ल्ड मंकी है और रेसस मंकी है जो क्लोज टू ह्यूमन है, ये क्या है, क्लोज टू ह्यूमन है। इसीलिए अपन ब्लड ग्रुप के अंदर भी बात करेंगे, ह्यूमंस के जो ब्लड ग्रुप के अंदर जो आरएच एंटीजन आपको देखने के लिए मिलता है वो आरएच एंटीजन कहां से लिया गया है, रेसस मंकी से ही लिया गया है। चलो ये बात समझ में आ गई कि ओल्ड वर्ल्ड मंकी जो है वो क्लोज टू ह्यूमंस होते हैं, ये तो मंकी की बात हो गई। अब बात करते हैं ऐप की, ऐप के अंदर कौन कौन आते हैं, गिब्बन हो गया आपका, ओरेंगुटन हो गया, गोरिल्ला हो गया, चिंपैंजी हो गया। अब इनमें से क्वेश्चन पूछता है कि भैया ये जो चार हैं, ये चारों ऐप होते हैं, इन चारों में से कौन सा क्लोज टू ह्यूमन है, ह्यूमन के ज्यादा क्लोज कौन सा है। मंकी में तो आपने बता दी कि ओल्ड वर्ल्ड मंकी थे वो ज्यादा क्लोज थे, लेकिन इनके ऐप के अंदर बताओ हमें कौन ज्यादा क्लोज है। तो चिंपैंजी जो है ना, चिंपैंजी जो है वो क्लोज टू ह्यूमन होता है, ज्यादा क्लोज होता है ह्यूमन के, ठीक है। चिंपैंजी जो है वो ज्यादा क्लोज होता है ह्यूमन के। चलो अब सबसे पहले जो मैन आया ना, सबसे पहले जो मैन आया वो कौन से थे, रामापिथेकस सिवापिथेकस, ठीक है। एक बार फ्लो देख लो, उसके बाद में आगे बात करेंगे, इनकी डिटेल में बात करने वाले हैं। रामापिथेकस सिवापिथेकस आए, उसके बाद में आया ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस को ऐप मैन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऐप मैन। क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऐप मैन किसको बोलते हैं, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस। सबसे पहले जो मैन आए वो कौन से थे, रामापिथेकस सिवापिथेकस, उसके बाद में आए ऑस्ट्रेलोपिथेकस, उसके बाद में प्री स्टोरिक मैन। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद में कौन आए, इवोल्यूशन हुआ, उसके बाद कौन है, प्री स्टोरिक मैन। प्री स्टोरिक मैन जो है इसके अंदर कौन कौन से थे, होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस। पहले होमो हैबिलिस आए, उसके बाद में होमो इरेक्टस आए, होमो इरेक्टस के बाद में आया मॉडर्न मैन। मॉडर्न मैन के अंदर भी सबसे पहले कौन आया, नियंडरथल मैन, उसके बाद में क्रो मैग्नन, उसके बाद में होमो सेपियंस, जो आज के टाइम पर आपको जो दिख रहे हैं आप और मैं क्या है, होमो सेपियंस है। यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं, इसको डिटेल में पढ़ते हैं, ये जो सीक्वेंस बताया मैंने इसी को डिटेल में अब पढ़ते हैं। बात करेंगे ओरिजिन ऑफ मैन, मैन जो है उसका ओरिजिन हुआ कैसे, उसकी बात करते हैं, डिटेल में बात करेंगे, है ना। तो सबसे पहले आया ड्रायोपिथेकस, ठीक है। ड्रायोपिथेकस आया, जो सबसे पहला जो मैन आया वो कौन सा था, ड्रायोपिथेकस।
ड्रायोपिथेकस कब आया? 15 मिलियन ईयर्स अगो। कब आया? ईयर पूछ लेता है। ड्रायोपिथेकस कब आया? 15 मिलियन ईयर्स अगो आया। ठीक है, ये कैसा था? ऐप लाइक दिखता था। ठीक है, ऐप जैसा दिखता था, एक मिनट, ऐप जैसा दिखता था। और ये ईट फ्रूट्स, फ्रूट्स खाता था, ये खाता था, फल खाता था। ठीक है, वॉक लाइक चिंपेंजी, चिंपेंजी जैसा चलता था। ऐप लाइक हो गया तभी तो क्या, चिंपेंजी, चिंपेंजी क्या होता है, ऐप ही तो होते हैं ना, तो ऐप जैसे चलता था तो क्या है, चिंपेंजी जैसा था ये। ठीक है, वॉक लाइक चिंपेंजी, चिंपेंजी जैसा था तो ऐप जैसा ही रहेगा ना। अफ्रीका और यूरोप के अंदर इनके अपन को क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं, मतलब इनके फॉसिल्स कहाँ मिले हैं अपन को, अफ्रीका और यूरोप के अंदर मिले हैं। मतलब क्या है, बात क्या है कि ये वहीं रहे होंगे तभी वहीं पर, वहाँ पर इनके फॉसिल्स अपन को मिले हैं। अगर ये एशिया के अंदर रहते, मतलब इंडिया वाले जो साइड, इंडिया है ना, अगर मान लो इंडिया के अंदर रहते, अगर ये इंडिया के अंदर रहते या फिर चाइना के अंदर रहते तो अपन को इनके फॉसिल्स भी कहाँ मिलेंगे, चाइना के अंदर। मैं मान लो राजस्थान के अंदर हूँ, ठीक है, और कल को यहाँ पर धरती जो है वो उल्ट पुल्ट हो जाए तो मेरे अवशेष कहाँ मिलेंगे, मेरे फॉसिल्स कहाँ मिलेंगे, राजस्थान में मिलेंगे यार, डेफिनेट। ठीक है, वही बात यह हो रही है कि अगर ये अफ्रीका और यूरोप के अंदर इनके अवशेष मिले हैं, इनके फॉसिल्स वहाँ मिले हैं, मतलब ये वहीं रहे होंगे, इसलिए अपन कह सकते हैं कि ड्रायोपिथेकस जो है, ड्रायोपिथेकस जो ह्यूमन था वो कहाँ रहता था, अफ्रीका और यूरोप के अंदर रहता था। ठीक है, तो ये अपन को बात क्या पता लग गया कि सबसे पहले जो ह्यूमन आया, सबसे पहले जो मैन आया वो कौन सा था, ड्रायोपिथेकस था। कब आया? 15 मिलियन ईयर्स अगो। कैसा दिखता था ये? ऐप लाइक दिखता था। ठीक है, चलता कैसे था? चिंपेंजी जैसा चलता था। ठीक है, और ये फ्रूट खाता था। क्या खाता था? फ्रूट खाता था। और ये अफ्रीका और यूरोप के अंदर रहता था। इतनी बातें पता लग गई। फिर बात करेंगे किसकी? रामापिथेकस की। ठीक है, ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस जो है वो दोनों ही क्या है, साथ साथ में आए थे। ये दोनों ही क्या है, साथ साथ में आए थे। लेकिन ड्रायोपिथेकस कहाँ रहता था? अफ्रीका और यूरोप के अंदर। और रामापिथेकस कहाँ रहता था? इंडिया में रहता था। ठीक है, इंडिया के अंदर जो सबसे पहले आया वो आपका रामापिथेकस था। ठीक है, दोनों के सेम टाइम पर ही, ये 15 मिलियन ईयर के आसपास की बात हो रही है, 15 मिलियन ईयर अगो, 15 मिलियन साल पहले की बात हो रही है। ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस ये दोनों जो है एक साथ में ही थे, एक साथ के टाइम के ही हैं, लेकिन वो अफ्रीका और यूरोप के अंदर। अब मान लो मैं, ठीक है, मैं क्या रहता हूँ, इंडिया में रहता हूँ। ठीक है, और कोई यूएसए में रहता है, कोई यूएसए में रहता है। ठीक है, तो मतलब आज 2023 के अंदर मैं भी हूँ और यूएसए में रहता है, वो भी यूएसए में है, 2023 ही तो चल रही है ये। ठीक है, वैसे ही रामापिथेकस जो वो इंडिया में था और ड्रायोपिथेकस जो वो यूरोप और अफ्रीका के अंदर था। थे कब थे? 15 मिलियन साल पहले, दोनों एक साथ एक ही टाइम पर थे, उसी टाइम में थे। तो ड्रायोपिथेकस जो वो 15 मिलियन साल पहले आया था, 15 मिलियन ईयर अगो आया था, और रामापिथेकस जो है वो भी 15 मिलियन ईयर अगो आया था, लेकिन ये इंडिया के अंदर इसके फॉसिल्स अपन को मिले हैं। तो ठीक है, ये मैन लाइक था, वो कैसा दिखता था? ड्रायोपिथेकस ऐप लाइक था, लेकिन ये कैसा था? रामापिथेकस मैन लाइक था। ये खाता था ईट हार्ड नट और सीड, ये बीज वगैरह खाता था, हार्ड नट खाता था। वॉक लाइक चिंपेंजी, ये भी चिंपेंजी जैसे ही चलता था। ठीक है, फिर आए, देखो ड्रायोपिथेकस आ गया, रामापिथेकस, ये दोनों साथ साथ के हैं। उसके बाद में आए मैन लाइक प्राइमेट्स आए, उसके बाद में कैसे है, मैन लाइक प्राइमेट्स आए। एनसीईआरटी में यही बातें लिख रखी है, डायरेक्ट कोई ऐसे नाम नहीं देखा है, बस इतना ही देखा कि मैन लाइक प्राइमेट आए थे। ठीक है, इतना ही लिख रखा है तो अपन भी इतना ही देखेंगे ना। तो मैन लाइक प्राइमेट आए थे, ये कब आए? 3 to 4 मिलियन ईयर्स अगो। देखो ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस सबसे पहले आए, ये बात पता लग गई भैया हमें, कब आए? 15 मिलियन ईयर अगो आए। ठीक है, उसके बाद में कौन आए? मैन लाइक प्राइमेट्स आए, वो कब आए? 3 to 4 मिलियन ईयर अगो आए। ठीक है, इनमें क्या थे? होमिनिड फीचर थे। होमिनिड फीचर का मतलब क्या है कि ह्यूमन जैसे फीचर थे इनके अंदर। ठीक है, उसके बाद में क्या है? डिस्कवर्ड इन इथियोपिया एंड तांजानिया, ये आपको याद रखना यार है ना, कि जो मैन लाइक जो प्राइमेट्स हैं, मैन लाइक जो प्राइमेट्स हैं वो कहाँ डिस्कवर हुए? इथियोपिया और तांजानिया के अंदर डिस्कवर हुए। हाइट कितनी थी इनकी? 4 फीट की हाइट थी इनकी, है ना, ज्यादा लंबे नहीं थे, 4 फीट के छोटे छोटे थे, छोटे छोटे ये थे। मैन लाइक प्राइमेट आ गए, उसके बाद में कौन आया? ऑस्ट्रेलोपिथेकस आया। कौन आया? ऑस्ट्रेलोपिथेकस आया। जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, ठीक है, ये कैसा था? फर्स्ट एप मैन है। क्या है? फर्स्ट एप मैन है, फर्स्ट होमिनिड है। फर्स्ट क्या है? होमिनिड है। इसमें क्या है? ह्यूमन जैसे ज्यादा फीचर थे। ठीक है, लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका के अंदर ये रहता था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहां रहता था? ईस्ट अफ्रीका के अंदर। अब आपको क्वेश्चन दे देगा कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहां रहता था, तो आप ज्यादा दिमाग लगाओगे और ऑप्शन में वो देगा कि ऑस्ट्रेलिया भी दे देगा, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि यार ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही रहता होगा, ठीक है, नाम मैच खा रहा है, तो टिक लगा देते हैं, लेकिन गलत हो जाएगा। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है नाम पर मत जाना, कहां रहता है? ईस्ट अफ्रीका के अंदर रहता था। हंटेड विद स्टोन वेपन्स, इसने हंट किया, शिकार किया इन्होंने, किसकी मदद से? इसने क्या बना लिया, जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो ह्यूमंस था, मैन था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो मैन था, इसने क्या किया?
पत्थरों से क्या बना लिए, वेपन बना लिए, ठीक है, पत्थरों से क्या बना लिए, औजार बना लिए, वेपन बना लिए, ठीक है, और उसके बाद में शिकार किया ना, कोई भी दिखा, हिरण दिखी, पत्थर के वेपन से, पत्थर के वो होते हैं हथियार बना लिए इन्होंने नुकीले कर करके, है ना, और फिर उसके मारा, वो मर गया, ठीक है, शिकार कर लिया। लेकिन आपको अब लगता होगा कि इसने मारा तो इन्होंने खाया भी होगा, उसको खाया भी होगा, मीट खाया होगा, नहीं जी, मीट नहीं खाते थे, शिकार करते थे, लेकिन खाते फ्रूट ही थे, ठीक है, शिकार करने का शौक था, शौक तो क्या ही, लेकिन जंगली जानवरों से खुद को बचाने के लिए, जंगल में रहते थे उस टाइम, जंगली था तो जंगली जानवरों से खुद को बचाने के लिए उनका शिकार करना पड़ता था, उनको मारना पड़ता था, भाई खाते थे क्या, फ्रूट ही खाते थे, ये बात ध्यान में रखना आपको, है ना। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद में कौन आया, प्रीहिस्टोरिक मैन आए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद में कौन आए, प्रीहिस्टोरिक मैन आए, देखो सबसे पहले कौन आए, ड्रायोपिथेकस रामापिथेकस 15 मिलियन साल पहले आए, ड्रायोपिथेकस कहां, अफ्रीका और यूरोप के अंदर, रामापिथेकस इंडिया मान लो, ठीक है, उसके बाद में कौन आया, उसके बाद में मैन लाइक प्राइमेट आए, ठीक है, जिसके कहां मिले अपन को, इथियोपिया और तंजानिया के अंदर, ठीक है, उसके बाद में कौन आया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस ये क्या है, 500 to 700 CC, ये क्या है जी, ये है क्रेनियल कैपेसिटी, क्या है, क्रेनियल कैपेसिटी, क्रेनियल कैपेसिटी सीसी का मतलब क्या, क्रेनियल कैपेसिटी क्या, नहीं जी, ये क्या है, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, बोला क्या मतलब बता दो हमें भैया, सेंटीमीटर, सेंटी लिख दिया मीटर, ठीक है, हमें इसका मतलब बता दो कि 500 to 700 CC क्या है, तो मैंने कहा ये क्रेनियल कैपेसिटी है, मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका क्रेनियम है, ये जो अभी खोपड़ी है ना, क्या बोलते हैं, खोपड़ी तो बोलते हैं ना, ये खोपड़ी है जो है, क्रेनियम जो है ना ये ऊपर का, इसकी क्या साइज है, इसकी साइज कितनी है, उसके हिसाब से अपन क्रेनियल कैपेसिटी बता सकते हैं। तो आपको जब भी बोले क्रेनियल कैपेसिटी, मतलब ये जो खोपड़ी की साइज है, ये बाहर से अब मेरी खोपड़ी है ये, ठीक है, इसको मैं वो लूंगा इंच टेबल लूंगा और इसको मैं यहाँ नाप लूंगा, ठीक है, इंच टेबल से मैं इसको क्या कर लूंगा, मेजर कर लूंगा, तो वो क्या आ जाएगी आपकी सीसी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, क्रेनियल कैपेसिटी आ जाएगी, लेकिन क्यूबिक सेंटीमीटर में अपन को इसको मेजर करना है। तो जो अपन को ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है, उसके अपन को फॉसिल्स मिले होंगे, तो उनका कंकाल मिला अपन को, स्केलेटन मिला, स्केलेटन से अपन को खोपड़ी मिली होगी, खोपड़ी से अपन ने मेजर किया, उसको मेजर किया तो कितना आया, 500 से 700 सीसी उसका मेजरमेंट आया, तो अपन बता सकते हैं कि कितना इनका क्रेनियल कैपेसिटी कितनी है। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस की क्रेनियल कैपेसिटी कितनी की थी, 500 to 700 CC, ये एग्जाम में पूछी जाती है, बता दिया मैंने आपको, ठीक है, क्रेनियल कैपेसिटी का मतलब क्या है, ये खोपड़ी आपको मेजर करनी है, समझ में आई बात। चलो प्री हिस्टोरिक मैन के अंदर पहला कौन आया, होमोहैबिलिस, कौन आया, होमोहैबिलिस, देखो होमो आ गया ना, होमोसेपियंस आएंगे अब, होमो तो आ गया, सेपियंस आना बाकी है, तो पहले कौन आया, होमोहैबिलिस आया, ठीक है, होमोहैबिलिस जो है वो कब आया, टू मिलियन ईयर्स अगो आया ये होमोहैबिलिस, कब आया, 2 मिलियन ईयर्स अगो। ये कैसा था, स्किलफुल मैन था, टूल मेकर था, हैंडी मैन था, इसको क्या बोलते हैं, जो होमोहैबिलिस, इसके बारे में ध्यान में रखना कि ये टूल मेकर था, हैंडी मैन भी बोलते हैं इसको, स्किलफुल मैन भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसने क्या है, अपनी स्किल से क्या बनाई, टूल्स बनाई इसने, क्या है, अलग अलग टूल्स इसने बनाई थी, है ना। आपको पूछ लेता एग्जाम के अंदर कि भैया टूल मेकर कौन सा था, हैंडीमैन किसको बोलते हैं, स्किलफुल मैन किसको बोलते हैं, तो बोलते ना होमोहैबिलिस को बोलते हैं, इसने अलग अलग औजार बनाए थे, ठीक है, अलग अलग टूल्स बनाई थी, इसलिए इसको टूल मेकर कहा जाता है। उसके बाद में इसकी कैपेसिटी की बात करें, क्रेनियल कैपेसिटी, वही खोपड़ी की कैपेसिटी कितनी थी, तो 650 से 800 CC, 650 से 800 CC इसकी क्या थी, क्रेनियल कैपेसिटी थी। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की कितनी, 500 से 700 CC थी, इसकी कितनी होगी, 650 से 800 CC होगी, बढ़ गई ना यहाँ पर, ठीक है। देखो ह्यूमन बीइंग लाइक थे ये, कैसे थे, होमोहैबिलिस, नाम में होमो आ रहा है, अपन क्या है, होमो सेपियंस, होमो तो आ गया ना, जीनस तो आ गया अपना, कम से कम अभी स्पीसीज अपनी नहीं है ये, जीनस तो अपना वाला आ गया ना, होमो क्या अपना जीनस है, जीनस आ गया, मतलब क्या है, ये ह्यूमन बीइंग लाइक जैसे हैं, आज अब अपन जो है ना वैसे थे, वैसे से ये थोड़े थोड़े हो गए थे, ठीक है। नॉट इट मीट, इन्होंने भी कोई अभी तक मीट किसी ने नहीं खाया भाई, अभी तक मीट किसी ने नहीं खाया, सबके सब शुद्ध शाकाहारी हैं। इसने भी क्या खाया, इसने भी क्या, फ्रूट ही खाता था ये होमो हैबिलिस जो है, ये भी फ्रूट ही खाता था, और ये कहां रहता था, ईस्ट अफ्रीका के अंदर, कहां, ईस्ट अफ्रीका के अंदर। आप देख रहे हो ना कि ज्यादा जो अपन को जो मिले हैं ना, ज्यादातर ये जो रहते थे वो कहां रहते थे, अफ्रीका के अंदर ही, मतलब इनके जो फॉसिल्स अपन को कहां मिले हैं, अफ्रीका के अंदर ही रहते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि जो ह्यूमन का इवोल्यूशन है वो उसकी शुरुआत कहां से हुई, तो बोलते हैं अफ्रीका से शुरुआत हुई, ठीक है। ऐसे मुझे भी पूछा जाता है कि ह्यूमन का एवोल्यूशन जो है वो कहां से शुरुआत हुई उसकी, तो बोलता है अफ्रीका के, अफ्रीका से, क्योंकि इनके जो ज्यादा जो अपन को फॉसिल्स मिले हैं वो कहां से मिले हैं, अफ्रीका से ही मिले हैं, ठीक है।
होमो हैबिलिस के बाद में कौन आए, होमो इरेक्टस आए। कौन आए? होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस कब आए? 1.5 मिलियन ईयर अगो, 1.5 मिलियन ईयर अगो। ठीक है, सबकी आपको ये ईयर भी याद रखनी है। ये इनमें क्या है, होमो इरेक्टस में तीन टाइप के मैन थे, तीन टाइप के मैन थे। एक था जावा मैन, जो कहां था, कहां रहता था, इंडोनेशिया के अंदर। सारे सेम सेम दिखते थे। अब मैं हूं, ठीक है, मैं क्या हूं, होमो सेपियंस हूं, बिल्कुल होमो सेपियंस हूं, मानते हो। अब कोई मैं राजस्थान के अंदर रह रहा हूं, कोई दिल्ली के अंदर रह रहा है, वो भी होमो सेपियंस है। कोई यूपी के अंदर रह रहा है, वो भी होमो सेपियंस है। तो सारे इंसान ही ना, एक ही होमो सेपियंस है सारे। वही चाइना के अंदर कोई रह रहा है, वो भी होमो सेपियंस ही है। ठीक है, ये बात तो मानते हो। तो उस टाइम पर सारे क्या थे, होमो इरेक्टस ही थे। एक था जावा मैन, जावा मैन ये कहां था, इंडोनेशिया के अंदर था। कहां था? इंडोनेशिया के अंदर। एक था पेकिंग मैन, ये कहां था, बीजिंग के अंदर, चाइना के अंदर है बीजिंग। ठीक है, और एक था हिडलबर्ग मैन, ये कहां था, जर्मनी के अंदर। ठीक है, ये कहां था, जर्मनी के अंदर। अब देखो, अपन इंडिया वाले अपन थोड़े से अलग दिखते हैं, चाइना वाले अपने से थोड़े अलग दिखते हैं, जापान वाले थोड़े अलग दिखते हैं। ठीक है, वहीं बात करें अमेरिका वाले अलग दिखते हैं, अफ्रीका वाले अलग दिखते हैं, इंग्लैंड वाले अलग अलग दिखते हैं, लेकिन है तो सारे अपन होमो सेपियंस है ना, अपन सारे होमो सेपियंस ही हैं यार, है ना। लेकिन थोड़े दिखते अलग अलग, क्योंकि जगह का फर्क पड़ गया, जगह जगह का फर्क पड़ गया। वही बात यहां पर हो रही है कि होमो इरेक्टस ही थे, लेकिन जो इंडोनेशिया के अंदर रहते थे उनको क्या बोला अपन ने, जावा मैन। जो बीजिंग चाइना के अंदर रहते थे उनको क्या बोला अपन ने, पैकिंग मैन। और जो जर्मनी के अंदर रहते थे उनको क्या बोला, हिडलबर्ग मैन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। जावा मैन जो थे ना, जावा मैन इन्होंने क्या किया, आग जलाई। अब क्वेश्चन ये, देखो बोलते ना, पत्थर से पत्थर मार के पत्थर को आपस में टकरा कर आग जलाई थी। ठीक है, पत्थरों को आपस में टकरा के आग जलाई थी, सुना ये बात। तो पत्थरों से आग सबसे पहले किसने जलाई, उस टाइम पर माचिस तो थी नहीं भाई, या फिर लाइटर भी नहीं था। सबसे पहले आग किसने जलाई, आग जलाई जावा मैन। ठीक है, जावा मैन ने, जावा मैन बोल रहा हूं, जावा मैन ने क्या सबसे पहले आग जलाई। ठीक है, और ये आग क्यों जलाई इसने, क्यों जरूरत पड़ी इसको आग की, हंटिंग के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, कुकिंग के लिए। ठीक है, मतलब कि कोई जानवर आ गया, कोई जानवर आ गया भाई, जानवर आ गया, उससे खुद को बचाना है, खुद से खुद को बचाना है, तो क्या करते हैं, आग जला दी, तो जानवर जो है आग को देख के भाग जाएगा। ठीक है, अब हंटिंग करनी है, ठीक है, हंटिंग के लिए भी आग को यूज में ले सकते हैं, और खुद की भाई सर्दी पड़ रही होगी यार, खुद की सर्दी बचाने के लिए भी क्या है, आग जला ली होगी इन्होंने। आविष्कार ऐसे ही होता है, जब जरूरत होती है तभी आविष्कार होता है। ठीक है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ठीक है, तो जब आवश्यकता हुई तो ये आविष्कार हुआ आग का। और इसने क्या कि कुकिंग पकाने में लग गए थे, खाना भी पकाने लग गए थे, इतने दिन कच्चा खाना खा रहे थे, ये कुकिंग भी करने लग गए थे, कुकिंग करने लगे थे ना। पैकिंग मैन जो था ये कहां था, बीजिंग में। हिडलबर्ग मैन था ये कहां, जर्मनी में। तो आपको इंपॉर्टेंट क्या है, जावा मैन कहां का था, इंडोनेशिया का था। और उसने सबसे पहले आग किसने जलाई, क्वेश्चन आता है ये, सबसे पहले आग किसने जलाई, तो वो जलाई थी किसने, जावा मैन ने। अब देखो कितने पुराने से अपन आज के टाइम में आएंगे, आज के टाइम में जो ह्यूमंस हैं, होमो सेपियंस हैं, उसके अंदर आएंगे। तो सबसे पहले कौन है, ऑस्ट्रलोपिथेकस भाई, 15 मिलियन साल पहले आया था। उसके बाद में कौन आया, रामापिथेकस, वो भी 15 मिलियन साल पहले। साथ साथ के हैं दोनों, लेकिन अलग अलग जगह पर उनके अवशेष पाए गए। ठीक है, तो बहुत पहले से आ रहे हैं अपन, है ना। फिर कौन आया, प्राइमेट लाइक मैन आए। उसके बाद में कौन आया, उसके बाद में वो 3-4 मिलियन साल पहले आए थे। उसके बाद ऑस्ट्रलोपिथेकस आए। उसके बाद में कौन आया, उसके बाद में आपके होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, ये आए। ठीक है, होमो इरेक्टस की बात कर ली अपन ने। ये क्या कर रहे थे, कंप्लीट इरेक्ट थे। ठीक है, इससे पहले जो होमो हैबिलिस थे वो झुक झुक के चलते थे। ठीक है, होमो हैबिलिस थे वो झुक झुक के चलते थे। उससे पहले जो ऑस्ट्रलोपिथेकस था वो क्या रहता था, चार दोनों हाथों से वो चलता था। ठीक है, ऐसे आगे जैसे बच्चा चलता ना, चार पैर भी यूज करता चलने में, हाथ भी यूज करता, जैसे और जानवर चलते हैं तो चार पैरों पर चलते हैं, वैसे ये भी चलते थे। ठीक है, फिर धीरे धीरे वो झुक झुक के चलने लग गए। उसके बाद में ये होमो इरेक्टस जो है ना, नाम में ला रहा है, इरेक्ट आ रहा है, नाम में क्या रहा है, इरेक्ट आ रहा है। तो ये कंप्लीट क्या है, खड़े हो गए, बिल्कुल सीधे खड़े होने के चलने लग गए, बिल्कुल सीधे खड़े होकर चलने लगे। इनसे पहले झुक झुक के चलते थे, उससे पहले चार पैरों पर चलते थे। ठीक है, हाथों को भी चलने में यूज में लेते थे, उसके बाद में सीधे खड़े हो गए ना। तो धीरे धीरे इवोल्यूशन आपको दिखते ना, जो थंबनेल के अंदर भी आपको फोटो दिख रही होगी, थंबनेल जो आपको जिस पर क्लिक किया ना वो, हाँ वो उसमें भी आपको फोटो दिख रही होगी, उसमें मैंने दिखा रखा है बंदरों को, है ना। तो पहले क्या झुक झुक के चलते हैं, उसके बाद में सीधा खड़ा हुआ है इंसान, है ना, आज के टाइम का इंसान बनता है कैसे। तो ये खड़े हो गए थे ना, सीधे तो खड़े हो गए, कंप्लीट इरेक्ट हो गए थे। ये मीट खाते थे भाई, ये वाले मीट खाने लग गए थे। इससे पहले सारे शुद्ध शाकाहारी हैं, ये जो होमो इरेक्टस है ना, होमो इरेक्टस जो है ये मीट खाने लग गए थे। क्यों खाने लग गए थे, क्योंकि भाई इनको आग का पता लग गया था, आग जला ली इन्होंने। अब कच्चा मीट तो कौन ही खाएगा, लेकिन इन्होंने आग जला ली, तो अब आग मीट को पकाने के और खाने लग गए, बढ़िया। ठीक है, चलो इन्होंने मीट खाया सबसे पहले, तो बोल देना, बोलते हैं कि मीट का किसने खाया सबसे पहले, तो बोल देना होमो इरेक्टस ने खाया था। इसकी क्रेनियल कैपेसिटी, वही खोपड़ी की साइज कितनी थी, 900 cc। कितनी क्रेनियल कैपेसिटी आपको पूछे तो कितनी, 900 cc थी क्रेनियल कैपेसिटी, कितनी 900 cc, ये आपको याद रखना है। फिर अब बात करेंगे मॉडर्न मैन की। होमो इरेक्टस के बाद में कौन आए, मॉडर्न मैन आए। मॉडर्न मैन में सबसे पहले कौन आया, नियंडरथल मैन। कौन आया, नियंडरथल मैन। ठीक है, होमो इरेक्टस के बाद में कौन आया,
मॉडर्न मैन आया, और ये कौन आया, नियंडरथल मैन आया। मॉडर्न मैन के अंदर सबसे पहला कौन आया, नियंडरथल मैन, ठीक है। ये क्या कब आया, 10,000 साल से 40,000 साल पहले की बात है। ये नियंडरथल मैन कब आया, 10,000 साल से पहले, 40,000 साल पहले की ये बात है ना। इसकी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी, 1400 cc, कितनी बढ़ गई। देखो यहाँ पर देखो, होमो इरेक्टस की कितनी थी, 900 cc, ये जो खोपड़ी की साइज है कितनी थी, 900 cc, इसकी कितनी होगी, 1400 cc। जो आज का ह्यूमन है आप और मैं, अपनी जो खोपड़ी की साइज है वो भी कितनी है, 900 cc ही है, ठीक है। सॉरी 1400 cc, गलत बोल दिया मैं, माफी चाहूंगा। अपनी जो खोपड़ी की साइज है, आप और मेरी जो खोपड़ी की साइज है वो भी 1400 cc है, और जो नियंडरथल मैन था ना, इसकी खोपड़ी की साइज भी कितनी थी, 1400 cc। देखो आने लगे ना, पास पास आने लगे ना कैरेक्टर, ठीक है। ये कहां गए, देखे गए नियर ईस्ट सेंट्रल एशिया, नियर ईस्ट सेंट्रल एशिया के अंदर ये देखे गए, ठीक है। स्पीच सेंटर डेवलप, इनके अंदर स्पीच सेंटर डेवलप हो गया। स्पीच सेंटर का मतलब क्या है, कि ये भैया बोलने लग गए थे, बात करने लग गए थे एक दूसरे से। इससे पहले आपस में कोई बात नहीं करते थे, इससे पहले वाले जो मैन है आपस में बात नहीं करते। देखो जानवर कोई आपस में बात करता है क्या, कोई किसी जानवर को आपने देखा है कि आपस में बात करते हुए, नहीं करते ना। तो ये जो है ना नियंडरथल मैन, इनके क्या है, स्पीच सेंटर डेवलप हो गया, ये बात करने लग गए थे, ठीक है। अब बात अपन जो जैसे कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, ऐसे नहीं करते थे, इसे हु करके बात कर ली होगी, कैसे भी मतलब इनका तरीका रहा होगा यार बात करने का, लेकिन बात करते थे, बात करने लग गए थे, स्पीच सेंटर इनके अंदर डेवलप हो गया था। सिविलाइजेशन स्टार्ट कर दी इन्होंने, सिविलाइजेशन जो स्टार्ट कर दी थी। सिविलाइजेशन कैसे स्टार्ट करी, मैड हट्स, हट मतलब झोपड़ियां बना ली इन्होंने, घर बना लिए थे अपने, ठीक है। यूज हाइड्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी, और ये कपड़े पहनने लग गए थे यार, कपड़े पहनने लग गए थे। कैसे पहनने, मतलब कोई जानवर लिया, ठीक है, जानवर की खाल उतार ली, ठीक है। आपने देखा भी होगा कुछ जो पुराने टाइम की फिल्मों में के अंदर, या फिर पोस्टरों के अंदर देखा होगा, देखा भी होगा आपने कि जो पुराने टाइम का आदमी दिखाते हैं उसके क्या है, उन्होंने खाल लपेट रखी है अपने ना बॉडी पर। तो इसने क्या करें, अपनी जो बॉडी है उसको छुपा भी ली, मतलब कपड़े पहनने लगे थे। कैसे, पत्तों से ढकने लगे कुछ, जो मतलब यहाँ पर भी ये अमीर गरीब का खेल तो चलता ही होगा। तो जो अमीर थे, अपने समझाने के लिए बता रहा हूँ, जो अमीर थे उन्होंने क्या किया, जानवर को मारा और उसकी खाल उसको क्या कर लिया, अपने लपेट लिया, उसकी स्किन को लपेट लिया। तो वो क्या है, थोड़े अमीर दिखते थे, और जो थोड़े से गरीब थे, थोड़े कमजोर थे, वो क्या है भाई, पत्ते तोड़ के और पत्ते लपेट लिए, लेकिन ढकने लग गए थे ना, शरीर को ढकने लग गए थे, मतलब समझदार तो होने लग गए थे यार। झोपड़ियां बना ली, घर बना लिए इन्होंने, और क्या कर लिया, शरीर को ढकने भी लग गए थे। इससे ज्यादा समझदार किसको मानोगे, इससे ज्यादा समझदार किसको मानोगे, कपड़े पहनने लग गए इंसान, ढंग से कपड़े पहनने लग गया। और मतलब उस टाइम पर कॉटन थोड़े ना था, शिफॉन की साड़ी थोड़ी ना थी उस टाइम पर ना, लेकिन कपड़े पहनने लग गए थे, कपड़े पहनने लग गए थे, ठीक है। मतलब वो भी कैसे, पत्तों से कैसे, तो ढकते थे ना खुद को, ढकने लग गए थे। स्टार्टेड ब्रीड देयर डेड, ठीक है। और भी इन्होंने क्या यार, नेक्स्ट लेवल पर काम करने लग गए थे, बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर। कैसे काम करने लगे थे, देखो झोपड़ियां तो बनाई ली इन्होंने, शरीर को ढकने भी लग गए, और इनके कोई मतलब रिलेटिव या फिर कोई परिवार में, इनका फैमिली तो होती है यार ना सबकी, उसमें किसी की डेथ हो गई तो इससे पहले वाले, ये जो है ना नियंडरथल मैन, जो है ना नियंडरथल मैन, इससे पहले वाले जो होमो इरेक्टस होमो हैबिलिस, उनके परिवार या रिलेटिव में किसी की डेथ हो जाती थी तो वो ध्यान नहीं रखते थे, फेंक दिया उसको, फेंक दिया या फिर उसको खा जाते थे, फेंक दिया, ठीक है, उनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन इनके पास दिमाग आ गया यार, बोलने लग गए थे, ठीक है, झोपड़ियां बना ली, कपड़े पहनने लग गए। अब और क्या की स्टार्ट कर दिया इन्होंने, कोई मर गया ना तो उसको फिर दफना भी देते थे, ठीक है, ऐसा खुला नहीं छोड़ते थे, खुला नहीं छोड़ते थे, उसको दफना देते थे, गाड़ देते थे उसको, ठीक है। और इनके दिमाग में ये चीज भी आ गई कि ये जो है आत्मा वाली बातें भी आ गई थी इनके अंदर, कि ये सोचते थे कि जो इंसान मरा है, जिसकी मृत्यु हुई है, जिसकी डेथ हुई है, वो उसकी सोल जो है, इसकी जो आत्मा है वो कहीं ना कहीं जिंदा है। तो जो जिन चीजों की इसको आज जरूरत है, ठीक है, जब वो जिंदा था तो भी उसको जरूरत थी, खाने की जरूरत थी, जो भी बर्तन वगैरह किसी भी चीज की जरूरत थी, वो मरने के बाद में भी उसकी जो आत्मा है उसको जरूरत पड़ेगी। तो जो इन्होंने क्या किया, उसको दफनाया उस टाइम पर, जो उस गाड़ रहे थे उस जमीन के अंदर उसको, तो उस टाइम पर उसके कुछ जरूरत की चीजें हैं वो भी गाड़ देते थे, ये सब मानने लग गए थे। देखो कितना एडवांस हो गई, कितना एडवांस हो गया यार ये, मतलब आज वाली बातें आने लग गई ना, जैसे अपन आज करते हैं वैसे बातें आने लग गई, कि भाई घर बना लिया, बोलने लग गए, ठीक है, भाषा कैसे भी हो सकती है ना, बोलने लग गए थे, कपड़े पहनने लग गए, और ये जो इनके कोई मर जाता था तो उसको दफनाते थे, ठीक है, बरी करते थे, ठीक है। तो मैड हट्स यूज हाइड्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी, स्टार्टेड ब्रीड देयर डेड, मतलब इमोशंस भी आ गए थे इनके अंदर, है ना। चलो उसके बाद में आया क्रोमैग्नन, ये नियंडरथल के बाद में कौन आया, क्रोमैग्नन आया, ठीक है। क्रोमैग्नन जो है वो कब आया, 50,000 to 10,000 years पहले की बात है ना, ज्यादा पुरानी बातें नहीं है, मतलब यार ज्यादा पुरानी बात है तो ऐसे बोल रहा हूँ, लेकिन 50,000 साल भी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, 50,000 साल से 10,000 साल पहले की बात है। क्रोमैग्नन था, इसकी क्रैनियल कैपेसिटी सबसे ज्यादा
आपको पूछे कि सबसे ज्यादा कैपेसिटी किसकी है, क्रैनियल कैपेसिटी, खोपड़ी की साइज जो है ना, ये खोपड़ी की साइज है वो सबसे ज्यादा किसकी है, तो बोल देना क्रोमैग्नन जो इसकी सबसे ज्यादा 1650 सीसी है ना, ये कैपेसिटी किसकी, क्रोमैग्नन की। इन्होंने पेंटिंग स्टार्ट कर दी केव वॉल पर, बाकी सारे काम तो करते थे यार है ना, बाकी सारे ये जो झोपड़ियां तो इन्होंने बनानी। देखो अब जो अपने पूर्वज काम करते थे, जो अपने पूर्वज काम करते थे उससे तो अपन एडवांस ही काम कर रहे हैं ना, उससे तो अपन एडवांस ही काम कर रहे हैं, ये बात तो मानते हो या नहीं मानते, ठीक है। उनके पास मोबाइल नहीं था, ठीक है, आज अपन बढ़िया स्मार्टफोन पर लगे पड़े हैं, ठीक है, अपन अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, तो वो ये सारी चीज़ें तो ये कर ही रहे थे। क्रोमैग्नन जो है इन्होंने ये सारी चीज़ें, झोपड़ियाँ बनानी, अपने जो मर गए उनको दफनाना, कपड़े पहनना, ये सारी चीज़ें तो कर ही थे। इसके साथ में इन्होंने क्या कर दिया, जो गुफा है, केव वॉल है, उनके ऊपर पेंटिंग्स बनाना स्टार्ट कर दी। तो जो पुरानी गुफाएं हैं उन पर आज भी पेंटिंग्स मिलती हैं, उन पर आज भी पेंटिंग्स मिलती हैं। तो ये क्रोमैग्नन जो है इन्होंने स्टार्ट करी जो गुफाएं हैं उनकी दीवारों पर, केव जो है उन पर, उनकी जो दीवार है उन पर क्या है, पेंटिंग्स बनाना स्टार्ट कर दी। फिर आया होमो सेपियंस, कौन आया, होमो सेपियंस जो आज आप और मैं हैं, ठीक है, ऐसे इंसान आए। ये कब आए, 10,000 साल पहले की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 10,000 साल बस, अब बस कल परसों की बात है, 10,000 साल पहले की बात है, 10,000 years ब्रो, 10,000 years, ठीक है, 10,000 साल पहले की बात है। होमो सेपियंस कब के आए हैं, 10,000 साल पहले आए हैं, और इन्होंने आके एग्रीकल्चर जो वो स्टार्ट करी। तो आप बोले कि एग्रीकल्चर कब स्टार्ट हुई, तो बोल देना 10,000 साल पहले स्टार्ट हुई, किसने करी, होमो सेपियंस ने आके करी थी, ठीक है। तो इन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दी, ठीक है, एग्रीकल्चर जो आज आप खेती बाड़ी देख रहे हो, ये खेती बाड़ी किसने करी, ये होमो सेपियंस ने। अब देखो होमो सेपियंस ने ये सारी चीजें करी कि झोपड़ियां बनाई, अपने घर वगैरह बनाए, कपड़े बना लिए, ठीक है, धीरे धीरे वो तो विकास होता रहता है ना, तो सबसे पहले जिसने किया उसकी बात होती है ना, सबसे पहले किसने, अब बल्ब का आविष्कार किसने किया वो उसकी बात होती है, उसके बाद में ये LED बल्ब आ गए, CFL अलग अलग आ गए, ट्यूबलाइट आ गई, उसकी कोई बात नहीं करता ना, कि इसका आविष्कार किसने किया उसकी कोई बात नहीं करता। एरोप्लेन सबसे पहले किसने बनाई, राइट ब्रदर्स ने बनाई, उसकी बात करते हैं, उसके बाद में अलग अलग ये फलाना ये बना दिया, वो बना दिया, ठीक है, उसकी बात कोई नहीं करता ना, ये वाला एरोप्लेन बना दिया, ये राफेल बना, उसकी कोई बात नहीं करता ना, ठीक है, बात किसकी होती है, जिसने पहली बार बनाया, जिसने पहली बार बनाया उसी की बात होती है। तो इन्होंने पहली बार ये काम की थी इसलिए इनकी ये बात हुई, बाकी ये क्रोमैग्नन जो थे इन्होंने भी घर बनाए थे यार, होमो सेपियंस आज अपन घर बना के रहते हैं सारे, ठीक है, और अपन बोलते भी हैं सारे, है ना, स्पीच सेंटर देखो, उन पहले उन लोगों ने बात करना स्टार्ट किया, उसके बाद में आज देखो कितना एडवांस हो गया, कोई संस्कृत बोल रहा, कोई हिंदी बोल रहा, कोई इंग्लिश बोल रहा, सबकी अलग अलग भाषाएं हैं, ठीक है, सबकी अलग अलग भाषाएं हैं, सबने अलग अलग बोलने के तरीके निकाल लिए, ठीक है, तो कितना डेवलपमेंट हुआ ना। तो होमो सेपियंस आए 10,000 साल पहले आए, इनकी क्रैनियल कैपेसिटी आपको याद रखनी है यार, 1400 सीसी थी होमो सेपियंस की, और ये जो आपके नियंडरथल मैन है इनकी क्रैनियल कैपेसिटी दोनों की सेम है, 1400 सीसी थी। एग्रीकल्चर किसने स्टार्ट करी, होमो सेपियंस ने स्टार्ट करी, कब स्टार्ट हुई, 10,000 साल पहले ये स्टार्ट हुई। चलो ये आपका चैप्टर हुआ जी समाप्त, समाप्त हो गया आपका, इवोल्यूशन समाप्त हो गया। अब अगला चैप्टर में स्टार्ट करेंगे बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट करेंगे, दोनों बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद में अपन चलेंगे जेनेटिक्स के दोनों चैप्टर पढ़ेंगे, और फिर ये लास्ट वाले जो चैप्टर है इकोलॉजी वाले चैप्टर है उनको एक एक दिन के अंदर निपटा देंगे और बस काम खत्म। चलो चैप्टर समझ में आया या नहीं आया वो जरूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर, आज तो कमेंट करके बताओगे, जो देख रहा है वो तो जरूर बताना कि समझ में आया नहीं आया वो जरूर बताना। ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, इनकी जो DPP प्रैक्टिस शीट है वो भी मैं दे दूंगा एक कल या फिर परसों में दे दूंगा ना, कल ही दे दूंगा ना, हाँ कल ही दे दूंगा, हो सके तो आज ही दे दूंगा क्योंकि आप तो कल ही दे रहा, मैं आज ही दे दूंगा, आज ही दे दूंगा इसकी प्रैक्टिस शीट भी दे दूंगा, ये नोट्स भी आपको टेलीग्राम पे चैनल पर मिल जाएंगे। लेकिन समझ में आया नहीं आया वो जरूर बताना, वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, और जैसा भी लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, बिना सब्सक्राइब देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।